everyone, my name is Purnima Sharma. I'm PPT final year student. Welcome back to my channel Physio AIM. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio AIM. So, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आजकल? बस NILD CET का रिजल्ट पता चल जाए, है ना? इतने कमेंट करते हो आप लोग के रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है. सो आपका इंतजार खत्म हुआ, रिजल्ट आ चुका है. यस, रिजल्ट आ चुका है. आर यू एक्साइटेड टू नो? सो पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको आपका रिजल्ट दिखेगा. ठीक है, आपको क्या करना है, पहले NILD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है. उसके बाद जहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल व्हाइट लाइंस आएंगी, आपको उस पर क्लिक करना है. उसके बाद आपको CET 2022 पे जाना है. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा. ठीक है, आप देख सकते हो. और इसी पेज पे ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड द रिजल्ट. ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है. उसके बाद में एक PDF डाउनलोड होगा, 51 पेजेस का PDF है, वो आपका डाउनलोड होगा. और वहां पे अपने रोल नंबर के थ्रू, ठीक है, वहां पे आपका नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, आपका रोल नंबर आएगा. ठीक है, सो वहां पे आप अपने रोल नंबर के थ्रू अपनी रैंक पता कर सकते हैं. ठीक है, कॉमन रैंक भी होगी आपकी और कैटेगरी वाइज रैंक भी होगी आपकी. ठीक है, जब आप उसको PDF को डाउनलोड कर लोगे. तो आप लोगों के लिए PDF मैंने पूरा डाउनलोड कर लिया है. ठीक है, सो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि किसकी कितनी रैंक आई है. ठीक है ना, एडमिट कार्ड निकाल के बाहर रख लीजिए, अपना रोल नंबर पता कर लीजिए. और उसके बाद में मैं अभी यहाँ पे एक लिस्ट दिखाऊंगी आपको. ठीक है, उस लिस्ट में आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है. ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है साइट पे जाने की या रिजल्ट देखने की. जस्ट अभी PDF निकाल के, PDF को डाउनलोड करके, उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए. ठीक है, कि किसकी कितनी रैंक है. ठीक है, 51 पेजेस का टोटल का PDF है. और चलिए अब हम आगे देखते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर निकालना है. ठीक है, गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे आपका रोल नंबर दे रखा है. ठीक है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा. तो चलिए अब आप लोग अपनी रैंक देख लीजिए. ओके,
बताइए आप लोग की रैंक कितनी आई है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी रैंक जरूर बताइएगा, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं रैंक की। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी रैंक 300, 350, इवन 400 तक भी है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और कॉलेज के साथ जरूरी नहीं है आपको बीपीटी मिले, ठीक है, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि जरूरी नहीं है आपको बीपीटी मिले, बट आपको बीओटी और आपको बीपीओ कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आपकी रैंक 300 से 400 के बीच में है, ठीक है। वहीं अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक अगर 600 से 700 के बीच में भी है तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई कोर्स डेफिनेटली अलॉट हो जाएगा। अगर आप लोग एससी या फिर एसटी में आते हैं और आपकी रैंक 800 से ऊपर है, ठीक है, 800 900 के बीच में है, तब भी डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो देखो, अगर किसी बच्चे की रैंक 300 है, ठीक है, 300 से ऊपर है जनरल रैंक, तो ये समझ लो कि उसको जो है बीपीटी के थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो उसको लगेगा कि हाँ काउंसलिंग करवाओगे, थोड़ी मेहनत लगेगी। बट अगर वही बच्चे की रैंक 350 है, मतलब 300 से ऊपर है जनरल में, और उसको बीओटी या फिर बीपीओ चाहिए, तो ऐसे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो बीपीटी के लिए हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, वहां पर सीट्स देखनी पड़ेंगी क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्टली बच्चों की बीपीटी होता है, ठीक है। और बीओटी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और बीपीओ क्या होता है, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। अगर आप लोगों को इन दो कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली इन दो टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आई होप रैंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो 350 तक या 400 तक डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कोर्स अलॉट हो जाएगा, ठीक है। आप एससी या फिर एसटी से हैं तो अगर आपकी रैंक 800 या 900 भी है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी आपको कोर्स अलॉट हो जाएगा। बट ये जो मैंने आपको बताई फुल 100%, ठीक है, फुल 100% नहीं है, बट यस 90% यही रूल है। और पिछले काफी साल से मैं जैसे बच्चों से कांटेक्ट किया है, उनके टच में रही हूँ, मैंने उन लोगों से उनका रैंक पूछा है जिस अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताया है, एक दो सीनियर्स भी है जो लोग वहां से एमपीटी कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताया है मैंने आपको वही रैंक बताई है, ठीक है। अगर इस साल पेपर बहुत ईजी था जैसे कि आप लोगों ने बोला, तो उस बेसिस पे मे भी हो सकता है कि रैंक में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, ठीक है। सो यस 100% करेक्ट तो नहीं है, बट 90% यही फॉर्मूला है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग की। यस, काउंसलिंग कहाँ होने वाली है? सो काउंसलिंग आपकी कोलकाता में ही होगी, एनआईएलडी में जाके, ठीक है। काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। यस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें लेके जाने हैं? सो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कंफर्मेशन पेज, जब आपने अपना फॉर्म फिल किया था तो उस वक्त आपको एक कंफर्मेशन पेज मिला होगा, ठीक है, पहले वो, फिर उसके बाद में आपका पेमेंट प्रूफ, ठीक है, कि आपने जो फॉर्म फीस भरी थी उसका प्रूफ, उसके बाद में एडमिट कार्ड, ठीक है। आप लोग जब अपना पेपर देने के लिए गए होंगे तो उस पर इन्विजिलेटर ने साइन किया होगा, राइट। सो आपका एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए विद इन्विजिलेटर साइन, ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ इस बच्चे ने पेपर दिया है, ओके। फिर आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है, और साथ में उसकी फोटोकॉपी का सेट अलग से रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी रखिएगा और फोटोकॉपी का सेट भी रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, वरना फिर वहां पे जाकर के आप परेशान हो जाओगे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, फोटोकॉपी कहां है, फिर आप भागोगे। तो इसलिए अपने घर से अपना पूरा फाइल जो है अच्छे से बना के जाइएगा, ठीक है। यस, 10th और 12th की आपकी मार्कशीट होगी, उसके बाद में आपका आधार कार्ड, एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए। सो आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी रखिएगा और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद में आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका गैप सर्टिफिकेट। आप 12th के बाद डायरेक्ट नहीं कर रहे हो और आपने ड्रॉप लिया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उन लोगों को भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप लोग लेके जाइएगा, ठीक है, वहां पे कोई चेंजेस होते हैं तो फिर आप परेशान ना हो, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप ना वो भी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप एससी एसटी या ओबीसी से हैं, इवन जर्नल में भी हैं और आपकी इनकम कम है, तो आप यहाँ पे भी इसी टाइम पे भी इनकम सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस इनकम सर्टिफिकेट अपना अपने पास रखिएगा, ठीक है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। अगर वो लोग मानते हैं तो दे दीजिएगा, और अगर वो लोग नहीं मानते तो अपने पास वापस रख लीजिएगा, लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही होने चाहिए, ओके। देखो, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज चाहिए, ठीक है, बट वो सिर्फ यूपी वालों को चाहिए, जहां तक मुझे पता है, यूपी और दिल्ली वालों को, ठीक है।
मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपकी रैंक 300 तक है, ठीक है, जनरल रैंक आपकी 300 तक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 80%, ठीक है, 80-90% चांसेस हैं कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पूछिए कैसे? ये फॉर्मूला जो है सिर्फ दिल्ली के कॉलेज के लिए नहीं है, ये बाकी जो उड़ीसा, कोलकाता और चेन्नई में है उनके लिए भी है, क्योंकि आसपास की जो स्टेट के बच्चे हैं ना, वो इतना दूर नहीं आना चाहते, ठीक है, कि यूपी वाले उड़ीसा चले जाएं, वो लोग ऐसे नहीं जाते। तो वो लोग ऑब्वियसली जो उनका मेन प्रेफरेंस होगा क्या होगा, समझ लो दिल्ली होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि काउंसलिंग के वक्त आपको बहुत सेलेक्टेड करना है, ठीक है, काउंसलिंग के वक्त आपको जो कॉलेज चूज करना है ना, मतलब बहुत ध्यान से चूज करना है। ऐसा नहीं है कि यूपी वाले बच्चे कोलकाता नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते अगर उनका मन है तो, बट मोस्टली चांसेस क्या होते हैं कि नियर बाय, ठीक है, आसपास कोई कॉलेज मिल जाता है तो अच्छा है, और ऊपर से दिल्ली में कॉलेज है तो बहुत अच्छा है। सो पता है क्या होगा कि अपनी उम्मीद मत खोइएगा कि जो सबसे पहले, मतलब आप जो सबसे पहले चूज करोगे वही आपकी प्रायोरिटी कहलाया जाएगा, ठीक है। और अगर 350 रैंक पे अगर आप बीओटी या बीपीयू करते हो, वो तो ऐसे लॉक हो जाएगा आपके, ठीक है, दिल्ली के लिए भी हो जाएगा। तो देखो, अगर कोई बच्चा उड़ीसा से है और उसका रैंक 200 है, ठीक है, या उसका रैंक मतलब अंडर 200 है, तो उनका क्या है, पहला प्रेफरेंस जो है वो एसवी निर्तार को जाएगा, ठीक है। सो वो लोग वहां पे सीट लेंगे, तो मतलब मोस्टली जरूरी थोड़ी ना है कि 300 तक के सारे बच्चे यूपी के ही, आधे बच्चे वहां के भी होंगे, ठीक है, और जरूरी नहीं है सारे बच्चों को जो है बीपीटी करना है, कुछ बच्चों को बीओटी और बीपीओ भी करना है। तो इस तरीके से सीट्स जो है वो खाली होती चली जाती, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग मेरे बोलने का मतलब, जो मैं बोलना चाह रही हूँ। आप लोग कहीं से भी हो, ठीक है, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, या फिर उड़ीसा से हो, कहीं से भी हो, तो आपका पहला प्रेफरेंस ऑब्वियसली आपके पास वाला टॉप कॉलेज होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि 300 तक सेम ही स्टेट के बच्चों की रैंक सिर्फ 300 तक आए, बाकी की आए है ना, आए ही ना, तो वो लोग तो मतलब कहाँ ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। अगर जैसे किसी बच्चे की रैंक, सपोज वो ओबीसी में है और उसकी रैंक 400 है, ठीक है, 400 या फिर 500 है, और उसको बीओटी चाहिए, ठीक है, सो पहली प्रेफरेंस उस बंदे को दी जाएगी कि उसको बीओटी चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में उसने बीओटी लिखवाया। और वहीं अगर आपकी रैंक 300 कुछ है, ठीक है, उससे तो आपकी रैंक कम है, सो बीओटी आपको मिलना चाहिए अगर आपने चूज किया। लेकिन अगर आपने पहले बीपीटी चूज किया था, उसके बाद आप लोग बीओटी चूज कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपका बीपीटी में नहीं हुआ, सो आपको सेकंड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज आपसे पहले उस बंदे ने अपनी काउंसलिंग करा के खत्म कर दिया है, समझ रहे हो। सो आपको क्या करना है कि अपना जो कोर्स सिलेक्शन है, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब लोग बीपीटी की तरफ भागे, कुछ लोगों को बीओटी और बीपीओ भी चाहिए होगा, तो उस हिसाब से आप अपना कोर्स सिलेक्शन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। और ये टॉप 4 कॉलेजेस हैं, यस, रिहैबिलिटेशन में आपके जो बीपीटी है उसमें, फिजियोथेरेपी में आपके टॉप 4 कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स ले लोगे तो आपको आगे जॉब ऑप्शंस नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, काउंसलिंग अपनी अच्छे से कराइएगा, ठीक है। Yes, that's all for the video. अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आइडिया @physio। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पता है ना क्या करना है, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।